आज के वीडियो में देखने वाले हैं पोर्टल क्या होते हैं। पोर्टल शब्द जो है वो इंटरनेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी वेबसाइट में जा सकते हैं। एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि पोर्टल एक ऐसा प्रवेश द्वार होता है, क्योंकि ये जो शब्द आता है ना पोर्टल, ये पोर्टल शब्द का मतलब होता है प्रवेश द्वार, एंट्री डोर। ठीक है, आपने सुना होगा जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, जैसे कि एवेंजर्स वगैरह थी, उसमें आपने सुना होगा पोर्टल वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। पोर्टल का मतलब दूसरी दुनिया से अगर वो आना चाहते हैं तो एक पोर्टल ओपन करते हैं जिसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट में इसी प्रकार से पोर्टल शब्द का मतलब होता है एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट पर अलग अलग बहुत सारी वेबसाइट की लिंक दी गई, जिस पर क्लिक करके आप किसी दूसरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अब ये इसलिए दिया जाता है, पोर्टल का उपयोग क्यों किया जाता है? पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट का नाम अगर याद नहीं है, आप उनको याद नहीं रख पाते हैं कि भाई मान लो लाइक अगर अपन बात करते हैं कि आपको वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट देखनी है कि कौन कौन सी वेबसाइट है या कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट पर ना जाकर सरकारी result.com हो गया, किरण न्यूज एजेंसी हो गई, ये ऐसी वेबसाइट बनाएगी जहाँ पर अलग अलग SSC के संबंधित जानकारी मिल रही, PEB से संबंधित जानकारी मिल रही है, या आपका किसी और अन्य वेबसाइट से संबंधित जानकारी आपको जॉब से रिलेटेड वहां पर मिल रही है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट बन जाती है जहां पर बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां जाने के लिए रास्ते मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है MP ऑनलाइन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक पोर्टल है। इसमें तो लिखा रहता है मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल, ये साफ साफ इसमें लिखा रहता है। अब इसमें आप अलग अलग जैसे कॉलेज से रिलेटेड काम है आप यहाँ से कर सकते हो, लोक सेवा केंद्र से रिलेटेड काम है आप यहाँ से कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट में जाने के लिए यहाँ पर लिंक दी जाती है। इसी प्रकार से उमंग में भी आपको बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इसी प्रकार से india.gov.in, ये है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी आपको अलग अलग जगह पर जाने के लिए वेबसाइट, लाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लिंक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लिंक है, पैन कार्ड के लिए लिंक है, अलग अलग लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसी प्रकार से न्यूज से रिलेटेड यहाँ पर ट्रैफिक टेल करके एक वेबसाइट है जिसमें अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी न्यूज पेपर्स हैं उन सभी की देखो लिंक यहाँ पर, टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV न्यूज, News18, इन सभी के संबंधित यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। तो एक ऐसी वेबसाइट जिस वेबसाइट के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड की जाती ताकि आपको उन सभी वेबसाइट की लिंक या उनके वेबसाइट का URL याद रखने की आवश्यकता ना हो और आप केवल एक वेबसाइट में जाकर उन सभी को एक्सेस कर सको, इस प्रकार की वेबसाइट को कहा जाता है पोर्टल। आशा करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा कि पोर्टल क्या होता है। और भी नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। जी हाँ, चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, इंटरनेट के पितामह किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? आज के वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। आज का हमारा सवाल है इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा नॉलेज देने का प्रयास करूंगा जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात करें उसके दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करें इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट समझने के पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है उसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है और जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है, आपने उसको किसी एक आकृति में एक दूसरे से जोड़ दिया, वो आपस में मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है या वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क का मतलब हुआ जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम से जोड़ देते हो तो वो आपस में मिलकर नेटवर्क का निर्माण कर देते हैं। अब इसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाता है तो जो एक बड़ा जाल बनता है इंटरनेट कहलाता है। मतलब नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। तो इंटरनेट की बेसिकली डेफिनेशन क्या हो गई कि इंटरनेट जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को कहा जाता है। देखो नाम से सुन में आ रहा है, इंटरनेट क्या होता है,
इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और नेटवर्क क्या होते हैं, जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहां पर इंटरनेट पे असीम कंप्यूटर्स एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं, जिनके द्वारा एक दूसरे सिस्टम पर डेटा का ट्रांसफर किया जा सके, इसको इंटरनेट कहा जाता है। अब इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट को आप तार के माध्यम से जोड़ के तो काम करवा नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो आप उसको पूरी दुनिया में तार के माध्यम से तो नहीं जुड़ सकते। इसके लिए एक और स्ट्रक्चर चलता है, जैसे कि अपने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था, सर्वर और क्लाइंट का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो इंटरनेट पे काम करता है। क्लाइंट क्या कहलाते हैं, वो सिस्टम या वो डिवाइस जिस पर अपन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, ये क्लाइंट सिस्टम कहलाते हैं, जहां पर हम इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से सर्वर क्या होता है, सर्वर वो स्टोरेज होता है जहां पर सारी जानकारी स्टोर होती है, इसको अपलोड भी हम ही करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज होता है, सर्वर होता है जहां पर सारी जानकारी स्टोर होती है। अब क्लाइंट के माध्यम से एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है सर्वर पर, और सर्वर के माध्यम से जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है क्लाइंट की द्वारा, उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए वहां से रिजल्ट जो है वो क्लाइंट को वापस किया जाता है। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बीच में आईएसपी काम करता है। आईएसपी कौन होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वह कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विस देती है। आप मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप बिना किसी सिम के, बिना किसी कंपनी के आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे। आपको जियो का इंटरनेट चाहिए, आपको एयरटेल का इंटरनेट चाहिए, आपको आइडिया का इंटरनेट चाहिए, तो ये जो कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है वो क्या कहलाती है, वो आईएसपी कहलाती है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है, और इनके माध्यम से ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आज के समय की बेसिक जानकारी की, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, क्लाइंट सर्वर किस प्रकार से काम करते हैं आईएसपी के माध्यम से, और भी इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत की बात करते हैं, सबसे पहले 1960 के टाइम पे 1960 के दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था अर्पानेट। समझना बात को, इन्होंने नाम रखा था अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1960 में शुरुआत की गई थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब यहां से नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, मतलब बहुत सारे सिस्टम को आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया था, इसका नाम रखा गया था अर्पानेट। अब इसी प्रकार से अर्पानेट में क्या हुआ, सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ते गए, जैसे शुरुआत में 100 कंप्यूटर जोड़े गए थे, फिर 1000 कंप्यूटर आए, फिर 10,000 कंप्यूटर जोड़े गए। इस प्रकार से अमेरिकी रक्षा विभाग ने अर्पानेट की शुरुआत की। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेटवर्क और मार्केट में आए, जैसे कि एनएसएफ नेट एक आया था। एनएसएफ नेट का मतलब हो गया था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये याद रखना, एनएसएफ नेट हो गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क आया। उसके बाद जो बिजनेस वाले लोग थे, मतलब जो अपना बिजनेस रिलेटेड काम करते थे, उन्होंने अपना अलग नेटवर्क तैयार कर लिया। अब ये सारे नेटवर्क अलग अलग थे, अभी शुरुआत में क्या था, सारे नेटवर्क अलग अलग थे। अब बिजनेस वाले अपना अलग नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन जहां पर शोध से संबंधित काम होता था उनका अलग नेटवर्क चल रहा था, अर्पानेट अलग चल रहा था। बाद में इन सभी नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया लगभग 1970 के आसपास, और तब जाकर निर्माण हुआ था इंटरनेट का। मतलब जैसे कि डेफिनेशन बताया कि भाई अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़कर इंटरनेट का निर्माण होता है, वैसे ये अलग अलग नेटवर्क बने शुरुआत में, फिर इन सभी को आपस में जोड़ा गया, और जब ये आपस में जुड़े तब इंटरनेट का निर्माण हुआ। अब थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में और जानकारी आपको देता हूं। देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सन 1960 की बात है कि जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर हो रहा था, और इसी युद्ध की वजह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका ने अपने सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना चाहा, और इसके लिए सर्वप्रथम 1962 में अमेरिका ने अर्पा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का नेटवर्क स्टार्ट किया था, और ये डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता था। अब यहां पर एक और जानकारी ये थी कि 1974 में विंट सर्फ और कैन इन दोनों ने कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया। विंट सर्फ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के कोड डिजाइनर के साथ इंटरनेट की आर्किटेक्चर बनाने वाले
व्यक्ति हैं, इसीलिए विंडसर्फ को ही फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा, कई जगह पर कंपटीशन एग्जाम के दौरान भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और ये ऐसी जानकारी जो आप कहीं इंटरनेट पर अगर लिखते हैं या जो आपका सवाल आता है, प्रश्न आता है, उसके आंसर में भी आप लिखते हैं, तो आपको इससे अच्छा एक रिस्पॉन्स सामने वाले पर पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इंटरनेट के बारे में जानकारी कैसी लगी, और भी इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस हम आपको चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। देखो आज के समय में इंटरनेट आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट का। आज के समय में युवा अपने मोबाइल के माध्यम से, रील्स, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और आज के समय में अगर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं जो बिना इंटरनेट के चलना या सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में इसी प्रकार से कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट की मदद से काम करती है। जैसे सबसे पहले यहां पर दिया गया है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, आपको किसी व्यक्ति से कोई संपर्क करना है, चाहे वो व्यक्ति आपके आसपास का हो या आपसे कई किलोमीटर दूर बैठा हो, तब भी आप उसे आसानी से सिर्फ एक क्लिक पर तुरंत उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। आप उसको WhatsApp के माध्यम से जानकारी सेंड कर सकते हैं, आप उसको ईमेल के माध्यम से जानकारी सेंड कर सकते हैं, आप उसको चैट के माध्यम से जानकारी सेंड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप उनको डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेजेस, ऑडियो, बहुत सारी जानकारी है जिससे आप आसानी से सिर्फ एक क्लिक पर सेंड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के कारण आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सेंड कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा है एजुकेशन। आज के समय में एजुकेशन जो है ऑनलाइन ज़्यादातर होती है। जैसे आफ्टर कोविड आपने देखा कि बिफोर कोविड ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन आफ्टर कोविड ऑनलाइन क्लासेस बहुत तेजी से बढ़ी हैं। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो भी इंटरनेट की मदद से देख पा रहे हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसी प्रकार से तीसरा टॉपिक है बिजनेस के मामले में, बिजनेस के रोल में अगर आप बात करें इंटरनेट का, तो आज के समय में बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका इंटरनेट ही होता है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी चीज़ें सीखनी है, तो आप इस चीज़ को इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं और जानकारी देने के साथ अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। चौथा एंटरटेनमेंट। आज के समय में एंटरटेनमेंट का तो सबसे बड़ा हब इंटरनेट बन गया है, क्योंकि रील्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोग जो एंटरटेनमेंट ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन यानी कि उपचार से संबंधित जानकारी भी लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं और वहां से जानकारी निकालते हैं। तो इसका उपयोग मेडिसिन से रिलेटेड काम में भी होता है। साथ ही साथ शॉपिंग, आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रेंडिंग में ला रहा है। ऑफलाइन शॉपिंग से ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को देखना या कोई भी प्रोडक्ट को ढूंढना बहुत आसान हो गया है। इस कारण से ऑनलाइन शॉपिंग आज के समय में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि आसानी से घर बैठे आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और वो प्रोडक्ट घर बैठे ही आपके पास खुद चलकर यानी कि डिलीवरी बॉय के माध्यम से आप तक पहुंच जाता है। इस कारण से शॉपिंग भी आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से होने लगती है। इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे और भी उपयोग होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, जिसके कारण से इंटरनेट के कारण से आज के समय में जीवन थोड़ा सा सरल हो गया लोगों का, लेकिन लोग धीरे धीरे इस चीज़ के एडिक्ट भी होते जा रहे हैं। आपके हिसाब से और क्या उपयोग इंटरनेट का है जो आपके जीवन में असर करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के वीडियो में समझने वाले हैं URL और डोमेन नेम के बारे में। इंटरनेट को लेकर, इंटरनेट के अंतर्गत, सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सबसे इम्पॉर्टेंट भाग होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि ये अक्सर क्या 100% आपको या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है या अलग से क्वेश्चन इसका 8 नंबर का बन जाता है। तो 8 नंबर का सवाल है, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना, और सिर्फ थियोरेटिकली नहीं समझाऊंगा, आपको प्रयास करूंगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि URL डोमेन नेम एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले URL समझ लेते हैं। URL का मतलब होता है, फुल फॉर्म अगर बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि फुल फॉर्म जो होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किस चीज का फुल फॉर्म हो गया? URL का फुल फॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर जो वेबसाइट होती है, जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो ब्राउजर में सबसे ऊपर जो एड्रेस बार होता है, उस एड्रेस बार में आप इस प्रकार का एड्रेस इनपुट करते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई एड्रेस नहीं होता है, या तो आप गूगल में जाते हो, उसमें सर्च करते हो, वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो उस वेबसाइट का एड्रेस जो है ऊपर आपको एड्रेस बार में दिखाई देने लगता है। अब ये जो कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, ये जो कंप्लीट एड्रेस होता है ये कहलाता है उसका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसको पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर्वर पर उपस्थित किसी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस URL कहलाता है। अब कंप्लीट एड्रेस क्यों कहा गया है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चार भागों से मिलकर बनता है। अब कौन कौन से चार भाग होते हैं उसको समझ लो। पहला भाग होता है HTTP वाला, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्रोटोकॉल। जैसे कि HTTP जो लिखा वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समझ गए। दूसरा WWW, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट सर्च करने में हेल्प करता है। तीसरा ये जो अभी वेबसाइट में लिखी उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो गूगल लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, ये हो गया वेबसाइट का नाम। और भी बहुत सारे नाम, कोई भी नाम हो सकता है, वेबसाइट का नाम आप डिसाइड करते हो, मतलब जो व्यक्ति वेबसाइट बनवा रहा है वो उसको सर्च करना होता है कि भैया वो किस नाम से वेबसाइट को लेना चाहता है। और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है .com, ये होता है, इसको बोला जाता है डोमेन नेम। अब ये इंपॉर्टेंट भाग है डोमेन नेम वाला, इसको भी अपन डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया URL क्या होता है सर्वर पर। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपन ने अगर आपने अभी तक नहीं समझा इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, इसके बीच में होता है आपका ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हो गया क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। अब आप रिक्वेस्ट करते, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप, क्लाइंट क्या हो गया, वो सिस्टम हो गया जिस पर आप वेबसाइट का एड्रेस आपने डाला, यहां से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर में, अब सर्वर में क्या होगा, सर्वर में वो वेबसाइट कहीं ना कहीं पर स्टोर होगी। अभी कहानी समझना, सर्वर पर वो वेबसाइट कहीं ना कहीं पर स्टोर होगी। अब जहां पर भी वो वेबसाइट स्टोर होगी, वो सर्वर पे उस वेबसाइट को खोजा जाएगा, और खोजने के बाद जब वो मिल जाएगी तो उसको वापस रिस्पांस के रूप में आपके क्लाइंट तक पहुंचाया जाएगा, और आपके सामने ब्राउजर के अंतर्गत वो आपको वेबसाइट ओपन होकर दिखाई देने लगेगी। ये कैसे हुआ, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, सर्वर से उस वेबसाइट को खोजा गया, खोजने के बाद उसको वापस आप तक भेजा गया। ये प्रोसेस थी क्लाइंट और सर्वर के अंतर्गत किसी डेटा को रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स लेने की या को एक्सेस करने की, ठीक है। अभी ये जो पूरा एड्रेस जहां पर वो वेबसाइट यहां पर सर्वर पर स्टोर होगी, उस वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डोमेन नेम का। डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा समझने में मजा भी आएगा। .com, जैसे आपने बहुत सारे URL देखे होंगे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रहते हैं, .com होता है, .org होता है, .n आपने सुना होगा, .mil सुना होगा, .gov सुना होगा, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे जो है डोमेन नेम होते हैं अलग अलग। अब ये अलग अलग डोमेन नेम क्यों बनाए गए, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है अलग अलग डोमेन नेम बनाने का। अब इसका कारण यह है कि अलग अलग डोमेन में अलग अलग प्रकार की वेबसाइट आप स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप सर्वर से उस वेबसाइट को आसानी से खोज सकें। ये कॉन्सेप्ट है डोमेन नेम का। कैसे, इसको थोड़ा सा सरल भाषा में अगर समझते हैं अपन, कि सपोज मान लो ये एक गांव है, ये एक विलेज है। गांव में अक्सर क्या होता है कि अलग अलग जो कर्म वाले लोग हैं, कार्य वाले लोग हैं, उनको अलग अलग प्रकार का मोहल्ला बांट दिया जाता है। लाइक यहाँ पे अपन ने मान लिया कि भैया ये पंडित मोहल्ला है, ठीक, ऐसा होता है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, यहाँ पे पंडित मोहल्ला है, ये बोले भैया चौधरी मोहल्ला है, यहाँ पे सारे चौधरी रहते हैं, ये अपन ने बोल दिया कि भैया यहाँ पर कुम्हार लोग का मोहल्ला है, जहाँ पर सारे कारीगर, जहाँ पर मिट्टी का काम किया जाता है वो सब रहते हैं, यहाँ पर बोल दिया सुनार मोहल्ला है, जहाँ पर सोने चांदी से संबंधित काम किया जाता है। तो उनके कार्य के हिसाब से गांव में मोहल्ले, जिसको बोलते हैं टोला, ऐसे बांट दिया जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति आता है जिसको उस गांव में संबंधित कोई जानकारी नहीं है, और उससे बोला जाता, वो पूछता है एक आदमी से, यहाँ पर एक गांव के व्यक्ति से, कि भैया हमको एक पूजा करानी है, पूजा कराना है, तो हमको एक पंडित जी की आवश्यकता है, बताइए गांव में कहाँ पर मिलेगा। अब इसका क्या फायदा हुआ, ये मोहल्ले बांटने का फायदा ये हुआ कि वो व्यक्ति बोलेगा भैया सीधे चले जाना, सीधे जाओगे बाएं हाथ पे मुड़ना आखिरी में, तो आपको पंडित मोहल्ला मिल जाएगा, वहां पर सारे घर हैं, वहां पर ऐसे आपको कोई भी पंडित मिल जाएगा। अब उसको क्या फायदा हुआ, अगर मान लो
ये इस प्रकार से मोहल्ले डिवाइड नहीं होते तो क्या होता, अगर मान लो एक घर में पंडित रहता, उसके बाजू वाले घर में चौधरी रहता, उसके बाजू वाले घर में कुमार रहता, सुनार रहता, ऐसे में क्या होता, उस व्यक्ति को उस गांव में पूरा विजिट करना पड़ता और ढूंढना पड़ता कि उसको जिस पंडित से काम है वो पंडित कहां पर रहता है, मतलब उसको पूरा गांव घूमना पड़ता। अभी यहां पर मोहल्ले बस की अगर बात करें तो उसको क्या हो गया, सर्च करने का एरिया उसका क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। उसको पूरे गांव में सर्च नहीं करना पड़ा, उसको केवल एक मोहल्ले में सर्च करना पड़ा, जिससे उसको वो पंडित जी आसानी से मिल गए। अब यही सेम कॉन्सेप्ट अगर अपन सर्वर पे लेके चलते हैं कि अगर मान लो ये आपका सर्वर है और यहां पर अपन ने डोमेन बना दिया कि भैया .com है, .org है, .in है, .edu है। अब आपकी वेबसाइट जिस प्रकार की होगी, सपोज .com की आपकी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का एड्रेस पूरे सर्वर पे ना खोज के केवल वो उस डोमेन के अंदर जाएगा, उस डोमेन में जाके खोजेगा कि ये वेबसाइट .com के अंतर्गत कहाँ है, उसको सर्च करेगा और सर्वर से वापस क्लाइंट को रिस्पॉन्स के रूप में उस वेबसाइट को ओपन करके दे देगा। इससे क्या फायदा हुआ, पूरे सर्वर में उसको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, डायरेक्ट वो डोमेन नेम के हिसाब से उस एरिया में जाके उसको सर्च कर सकता है। इससे फायदा क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। रिस्पॉन्स टाइम कम होने का मतलब स्पीड बढ़ती है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है। जितना आप बोल सकते हैं कि जितना तेजी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उतनी तेजी से आपको रिस्पॉन्स भी मिल गया, क्योंकि सर्च करने में समय कम लग रहा है। ठीक है, ये किसके कारण से हो रहा था, ये जो व्यवस्था डोमेन नेम की बनाई गई है इसके कारण से। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको जो डोमेन नेम का है वो समझ में आया होगा, किस प्रकार से डोमेन नेम का ये काम होता है। आप इस एग्जाम्पल के साथ चाहें तो एग्जाम्पल समझा सकते हैं या किसी और तरीके से आप अपने तरीके से भी उसको समझा सकते हैं। ये था आज के वीडियो में URL और डोमेन नेम के बारे में। अगली क्लास में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राउजर के बारे में, वेब ब्राउजर क्या होते हैं और इसका क्या उपयोग होता है, इससे संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है आज के वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए आपको अगर मान लो टाइपिंग करनी है, आपको कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, आप MS वर्ड का इस्तेमाल करते हो, आप नोटपैड का इस्तेमाल करते हो, आपको फोटो से रिलेटेड काम करना है, आप MS पेंट का इस्तेमाल करते हो, आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हो, मतलब किसी न किसी कार्य को करने के लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। बिना सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में किसी कार्य को फॉर्म नहीं कर पाते। इसी प्रकार से यदि आपको अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर इंटरनेट को एक्सेस करना है, इंटरनेट को चलाना है, सर्वर से जानकारी को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है और ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वेब ब्राउजर। यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल पर या लैपटॉप पर यदि आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है उसको कहा जाता है वेब ब्राउजर। अभी ब्राउजर को आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का जो ब्राउजर आता था वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पर पहले आता था, जो आपका पुराना विंडोज 7 हुआ करता था। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके अलावा अभी हाल में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वेब ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम, क्योंकि ये गूगल के माध्यम से दिया गया है। इसके अलावा बीच में मोज़िला फायरफॉक्स भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल पे लोग ओपेरा मिनी को सबसे ज्यादा या यूसी ब्राउजर को सबसे ज्यादा प्रेफर करते थे। आज के समय में बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ फेमस या आप बोल सकते हैं कि दो या तीन ही ऐसे ब्राउजर हैं जो सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा रिजल्ट आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम गूगल क्रोम का ही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सर्वर के साथ कनेक्टेड है और आपको एक्यूरेट और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। बहुत सारे और भी ब्राउजर है, लेकिन ये ब्राउजर जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट हो सकता है, प्रॉपर रिजल्ट आपको प्रोवाइड ना करवा सके, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से ब्राउजर अभी अवेलेबल हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, नाम लिख रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है। कोई भी पांच नाम आपको याद रखने हैं, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा मिनी है, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्रेव, विवाल्डी, क्रोमियम, मैक्सथॉन, सी मॉन्की,
टॉर ब्राउजर है। अच्छा, टॉर ब्राउजर के बारे में आपने शायद सुना होगा, ये जो है मुख्य रूप से जो हैकिंग वगैरह होती है उसके लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। सबका अपना अपना उपयोग है, हर एक ब्राउजर का कुछ अपना अपना उपयोग है, अपनी अपनी महत्वता है जिस कारण से वो बनाए गए हैं। तो मुख्य रूप से नॉर्मली जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो गूगल क्रोम को आप इस्तेमाल करते हैं जनरल सर्च करने के लिए और बाकी कामों के लिए। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स भी एक अच्छा वेब ब्राउजर है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक दो चीजें और ब्राउजर में। सबसे पहली चीज, जैसे अभी मेरे पास जो खुला है ये है हमारा गूगल क्रोम ओपन है। गूगल क्रोम में आप देखेंगे साइड में तीन डॉट होते हैं जिसके अंतर्गत इसकी कंप्लीट सेटिंग होती है। यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शन दिखाई देता है जिसके माध्यम से आप आसानी से यहाँ पर किसी भी प्रकार की जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं या उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं तो ब्राउजर में कोई भी जानकारी आप सर्च कर रहे हैं, वो जानकारी जो आपने सर्च की है वो इसकी कुकीज सेव होती है, इसकी हिस्ट्री सेव होती है, जानकारी सेव होती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी ब्राउजर पे बैकग्राउंड में सेव हो जाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो भी आप सर्च कर रहे हैं या कोई भी जानकारी आप निकाल रहे हैं वो आपकी इस वेब ब्राउजर पर सेव ना हो, उसकी हिस्ट्री सेव ना हो, तो उसके लिए गूगल क्रोम आपको देता है इनकॉग्निटो मोड। यहां पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए तीन डॉट पे जाके चेक करेंगे तो न्यू इनकॉग्निटो मोड यहां पर आपको दिखाई देता है, इसमें ओपन करें। यहां पर जाकर भी आप आसानी से जैसे आप नॉर्मली वेबसाइट पर सर्च करते हैं वैसे ही आप यहां पर गूगल ओपन कर सकते हैं, जानकारी को सर्च कर सकते हैं। ये विदाउट आपके गूगल अकाउंट के जानकारी को सर्च करता है और साथ ही साथ यहां पर किसी भी प्रकार की हिस्ट्री आपकी सेव नहीं होती, कुकी सेव नहीं होती है। जब आप एमपी ऑनलाइन या सीएससी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर यूजर नेम पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मुख्य रूप से आप अगर इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकेगा और आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको गूगल क्रोम से रिलेटेड थी जो आपके लिए हो सकता उपयोगी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि नेटवर्क क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं नेटवर्क होते क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आप जैसे कि देखते हैं कि जब अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना होता है, तो कनेक्ट करने के लिए हम या तो इनको तार के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं या हमारे पास बेतार यानी कि वायरलेस माध्यम भी होते हैं, जैसे कि आप इनको वाईफाई के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से, जैसे मोबाइल में होता है ब्लूटूथ वगैरह से भी कनेक्ट हो जाती है डिवाइसेस अलग अलग प्रकार की। तो इनको कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर नेटवर्क की डेफिनेशन के बारे में बात करें कि नेटवर्क क्या होते हैं, तो एक लाइन में सरल भाषा में अगर इसको कहें कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम से, वह माध्यम तार या बेतार माध्यम हो सकता है, आपस में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार से जो कनेक्शन तैयार होता है उसको नेटवर्क कहा जाता है। अब नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में किसी माध्यम से जुड़े होते हैं। अब जुड़ने के साथ साथ इनके बीच में डेटा का आदान प्रदान भी होता है, मतलब आप इनसे डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा भेज भी सकते हैं और दूसरे सिस्टम से वापस पुराने सिस्टम में डेटा रिसीव भी किया जा सकता है। तो ये जो है कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। नेटवर्क का मुख्य रूप से प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए ही किया जाता है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। अब अगर बात करें नेटवर्क के टाइप की तो मुख्य रूप से यहाँ पर तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं जिनके बारे में पढ़ाया जाता है। एक है लैन, दूसरा है मैन और तीसरा है वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है इसमें आपका बहुत क्षेत्रफल जो होता है वो सीमित होता है, मेट्रोपॉलिटन जो होता है उसका क्षेत्रफल लोकल एरिया नेटवर्क की अपेक्षा बड़ा होता है, वैन जो होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, इसलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल में इंटरनेट आता है, इंटरनेट जो होता है जो कि वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है,
अब इनकी कुछ विशेषताएं कुछ अंतर है इसमें उसको समझ लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है, इसे संक्षेप में लैन कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे कि घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है। विशेषताओं की बात करें तो यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। इसकी डेटा ट्रांसफर की स्पीड अधिक होती है। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता है। इसमें डेटा सुरक्षित रहता है और इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। और इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस होता है दो कंप्यूटर के बीच में जो आपस में जुड़े होते हैं वो बहुत ही कम होता है। अब अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड या इससे अधिक गति से डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लैन से बड़ा और वैन से छोटा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो इसका रखरखाव थोड़ा सा कठिन होता है। इसकी गति भी उच्च होती है और यह 75 किलोमीटर की दूरी तक फैला रहता है। अब बात करते हैं वैन की। इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क है। यह नेटवर्क ना केवल एक बिल्डिंग और ना केवल एक शहर तक सीमित रहता है बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसमें डेटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क को भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे कि पूरा शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। बैंकों का एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। विशेषताओं की अगर बात करें, यह तार रहित नेटवर्क होता है, मतलब इसमें आप तार के माध्यम से पूरे विश्व को आपस में नहीं जोड़ सकते। इसमें डेटा को संकेत यानी कि सिग्नल या सैटेलाइट के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है और यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा नेटवर्क क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में समझने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर डीसीए हो चाहे पीजी डीसीए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत 100% आता ही आता है। हर साल आता है, हर सेमेस्टर में आता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हर बार पूछा जाता है और इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का नहीं, ये सीधा 16 मार्क्स का आता है। इसलिए आपको अच्छे से इसको समझना चाहिए और समझने के साथ साथ किस प्रकार से इसको लिखना है वो भी इसमें देखना चाहिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी मुख्य रूप से क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जब कोई सिस्टम नेटवर्क में उपस्थित होते हैं तो वह सिस्टम उस नेटवर्क में किस ज्यामिति आकृति में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, उस स्ट्रक्चर को टोपोलॉजी कहा जाता है। यानी कि नेटवर्क जिस आकृति में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उस स्ट्रक्चर को टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसको टाइप्स के माध्यम से समझेंगे कितने प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है और उसके आधार पर आपको और जानकारी क्लियर होगी कि इसको टोपोलॉजी को ये ज्यामिति आकृति का मतलब क्या होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिनका प्रयोग किया जाता है। पहली होती है रिंग टोपोलॉजी, दूसरी होती है बस टोपोलॉजी, तीसरी होती है स्टार टोपोलॉजी, इसके बाद आती है ट्री टोपोलॉजी और लास्ट में आती है मैश टोपोलॉजी। मुख्य रूप से ये 5 टोपोलॉजी होती हैं, इनके प्रकार होते हैं। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि किस प्रकार से इनको क्या क्यों नाम दिया गया है। रिंग टोपोलॉजी की अगर बात करें तो सपोज यहाँ पर ये हमारे सिस्टम हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं नेटवर्क के माध्यम से और ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर ये है सिस्टम नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो ये चारों सिस्टम एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं तार के माध्यम से कि कोई भी डेटा एक नंबर सिस्टम से अगर आपको 3 नंबर पे भेजना है तो वो या तो 2 नंबर से होकर जाएगा या तो 4 नंबर से होकर जाएगा और एक दूसरे से इस प्रकार से एक सर्किल का रूप बनाते हैं, इसलिए इसका नाम
रिंग टोपोलॉजी रखा गया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि यहाँ पर डेटा ट्रांसफर की गति जो है वो, अगर आपको डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो अगर मान लो इस जगह से ये केबल टूट जाती है तो आप डेटा को दूसरे रास्ते से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसकी स्पीड तेज होती है, इसमें नए सिस्टम को जोड़ना ऐड करना थोड़ा आसान होता है। यहाँ बीच में ही आप कहीं पर एक सिस्टम ऐड कर सकते हैं, तो नया सिस्टम ऐड करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समस्याएं भी होती है कि जितने ज़्यादा सिस्टम बढ़ते हैं ट्रैफिक उतना ज़्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे जब सिस्टम की संख्या बढ़ने लगती है तो इसमें डेटा ट्रांसफर की गति जो है वो स्लो होने लगती है। तो ये तो था एग्जाम्पल ट्री टोपोलॉजी का, कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। अगला है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें सबसे पहले एक बैकबोन केबल होती है। इस बैकबोन केबल से ही अलग अलग यहाँ पर सिस्टम इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज मान लो ये एक मेन रोड है, ये मेन रोड दी गई है, और मेन रोड पर ये अलग अलग स्टॉप हैं, बस स्टॉप हैं। बस स्टॉप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों बस स्टॉप हैं। अब मान लो यहाँ से डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट होता है, बस नंबर 1 से स्टेशन नंबर 1 से डेटा आगे की तरफ बढ़ता है। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको पहुंचना है सिस्टम नंबर 5 पर, तो सबसे पहले वो डेटा जाएगा यहाँ पर 2 नंबर के पास रुकेगा, और यहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो ये है या नहीं है। जब देखेगा कि नहीं, इसका आईपी एड्रेस चेंज है और जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है वो अलग है, तो ये डेटा को लेके आगे चला जाएगा। और इसी प्रकार से 3 में चेक करेगा, इसी प्रकार से 4 में चेक करेगा, इसी प्रकार से 5 में चेक करेगा, और जब यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस और इस सिस्टम का एड्रेस मैच कर जाएगा तो वो यहाँ पर उस डेटा को ओपन करने की परमिशन दे देगा। इस प्रकार से बस टोपोलॉजी में डेटा का ट्रांसफर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर किया जाता है। इसके भी कुछ फायदे कुछ नुकसान हैं। यहाँ पर अगर फायदे की बात करें तो यहाँ पर नए सिस्टम को बीच में ऐड करना आसान हो जाता है, आप बीच बीच में कहीं पर भी किसी सिस्टम को आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर नेटवर्क में कोई सिस्टम यहाँ पर खराब हो जाता है तो उसे आसानी से निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा अगर मान लो ये जो नेटवर्क बैकबोन केबल है, अगर बैकबोन केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें फिर कम्युनिकेशन जो है बीच में बाधित हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बस टोपोलॉजी। इसके बाद बात करेंगे तीसरा है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इन दोनों टोपोलॉजी से थोड़ी सी अलग है, और वो अलग इसीलिए है क्योंकि अभी तक रिंग और बस में कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता था, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर बनाया जाता है और बाकी सभी कंप्यूटर्स को उस एक मुख्य कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बाकी सारे कंप्यूटर इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो मुख्य कंप्यूटर होता है इसको अपन होस्ट या हब या इसे ही सर्वर का नाम दिया जाता है, और बाकी जितने भी सिस्टम होते हैं इन सभी को क्लाइंट सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर फायदे बहुत सारे हैं। फायदे ये हैं कि अगर मान लो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करना है तो वह डेटा किसी दूसरे सिस्टम पर होकर नहीं गुजरता है, वो डायरेक्ट उस सिस्टम से सर्वर पर आता है और सर्वर के माध्यम से डायरेक्टली वो दूसरे सिस्टम पर पहुंच जाता है। इससे फायदा ये होगा कि आप कितने भी नंबर ऑफ सिस्टम अगर इससे अटैच कर देते हैं, सर्वर पर जोड़ देते हैं, तो भी डेटा ट्रांसफर की स्पीड में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, जैसा कि रिंग और बस में हो रहा था। रिंग और बस में अगर आप नंबर ऑफ सिस्टम बढ़ाते हैं तो वहां पर स्पीड कम हो जाती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, स्पीड आपकी बनी रहेगी, उतनी ही सेम स्पीड से आप कितने भी सिस्टम पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि कोई सिस्टम खराब हो जाता है तो आप उसे आसानी से सर्वर से डिटैच कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नया सिस्टम आपको ऐड करना है तो उसे आसानी से आप सिस्टम से सर्वर से जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे आपको स्टार टोपोलॉजी में मिल जाएंगे। इसमें केवल एक कमी यह है कि अगर मान लो किसी कारण से होस्ट या हब या सर्वर प्रॉब्लम करता है तो आपका सारा नेटवर्क जो है एक ही बार में बंद हो जाएगा। तो ये था स्टार टोपोलॉजी, जो कि मुख्य रूप से आज के समय में इस्तेमाल की जाती है बहुत सारी जगह पर डेटा ट्रांसफर के लिए। इसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी दो टोपोलॉजी का मिक्स है, जिसमें अपन ट्री टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बैकबोन केबल कुछ इस प्रकार से सीधे ही होती है, और उस बैकबोन केबल पर डायरेक्ट सिस्टम की जगह पर
सर्वर जुड़े होते हैं और बाकी उस सर्वर से सारे क्लाइंट सिस्टम अटैच होते हैं। इस प्रकार से ये जो तरीका होता है, ये जो सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें ट्री स्ट्रक्चर में बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद अंतिम जो है टोपोलॉजी में, वो है मेश टोपोलॉजी। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है सब कुछ मिक्स हो जाता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सिस्टम सर्वर पर उपस्थित होते हैं, वो सारे सर्वर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर फायदा ये है कि आपके पास जितने सिस्टम हैं उतने रास्ते आपके पास डेटा ट्रांसफर के लिए है। मान लो आपको एक नंबर से तीन नंबर पे भेजना है तो आप किसी भी रास्ते से डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ जो सिस्टम ऐड करना चाहते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर किसी सिस्टम को डिटैच करना है तो भी आपको बहुत सारे सिस्टम से डिटैच करना पड़ेगा। यदि इसमें एक चीज़ और भी आती है कि बहुत ज़्यादा वायर लगती है, इस कारण से ये सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉस्टली भी होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसमें सॉफ्टवेयर भी बहुत कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होते हैं इस प्रकार के कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये थे मुख्य रूप से पांच प्रकार की टोपोलॉजी, यानी कि नेटवर्क में उपस्थित जो कंप्यूटर हैं उनको किस स्ट्रक्चर में रखा जाता है, एक दूसरे के साथ किस ज्यामिति आकृति में रखा जाता है, इसको बोला जाता है टोपोलॉजी। मुख्य रूप से पांच प्रकार की टोपोलॉजी आज अपन ने देखी। तो लास्ट एक वीडियो में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, दो चीजें अपन ने वीडियो के माध्यम से देख ली है। अब तीसरा जो वीडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के होते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इसके विभिन्न घटक और प्रकार समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें आपको तीनों चीज समझानी होगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी जो विशेषताएं हमने बताई थी वो, दूसरा उसके कंपोनेंट जो पांच हमने बताए थे वो, तीसरा इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं ये। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर फिर डिटेल में समझानी पड़ेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन के प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार क्या होता है, अब प्रकार से इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊंगा। मुख्य रूप से तीन प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत आसान है, सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। तीन चीजें होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। क्या होता है इसको डिटेल में समझने के पहले इस बात को समझ लेते हैं कि मान लो, एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपको, ये है पॉइंट नंबर ए और ये है पॉइंट नंबर बी। अब ये हो गया डिवाइस नंबर एक, ये हो गया डिवाइस नंबर दो। डेटा का ट्रांसफर कैसे होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, ठीक है। एक डिवाइस कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, जब डेटा का ट्रांसफर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर हो रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले सिंप्लेक्स की, टाइप्स में बात करते हैं सिंप्लेक्स की। सिंप्लेक्स क्या होता है, जब डेटा का ट्रांसफर एक ही दिशा में होता है, इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको बोला जाता है सिंप्लेक्स। डेटा ट्रांसफर एक दिशा में होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लो ये है कीबोर्ड एग्जांपल और ये है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आप कीबोर्ड से डेटा एंटर करोगे कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड को तो कोई डेटा प्राप्त नहीं होगा। मतलब डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है ना। आप माउस से क्लिक करते हो, क्लिक करके आप डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सूचना कंप्यूटर को दे रहे हो कि भैया ऐसा ऐसा करना है, वो वहां से माउस को तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है रिटर्न में। टेलीविजन होता है, सपोज टेलीविजन है, टेलीविजन में आप जानकारी देख रहे हो तो जानकारी टेलीविजन के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, सूचना आप तक पहुंच रही है, लेकिन आप वापस टेलीविजन को बोलकर जानकारी अंदर तो पहुंचा नहीं सकते हैं। ये किस प्रकार का ट्रांसफर हुआ, ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, जहां पर डेटा का ट्रांसफर एक ही दिशा में हो सकता है, या तो A टू B होगा या तो B टू A होगा, लेकिन एक ही दिशा में होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स को कैसे समझेंगे, इसमें क्या होता है डेटा का ट्रांसफर दोनों दिशाओं में होता है, मतलब A से B में भी होगा और B से A में भी होगा, लेकिन अलग अलग समय में, ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। समझ लेना, ये दो एरो इसलिए बनाए, ये एरो जो है ये टाइम को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, एक समय एक ही दिशा, यहां पर दो समय दिशाएं अलग अलग,
मतलब जब आप कोई डेटा भेज रहे हैं तब आप उस डेटा को या उस डिवाइस से डेटा रिसीव नहीं कर सकते, और जब आप डेटा रिसीव कर रहे हैं तब उस समय आप डेटा को सेंड नहीं कर सकते। मतलब एक ही दिशा में आपका कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं, मतलब दोनों दिशाओं में होता है लेकिन अलग अलग समय में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाओगे बहुत आसानी से। पहला ये देखो, इसको समझो ऐसे कि मान लो एक ये पतला सा रास्ता है, ठीक है, पुल बना हुआ है और ये एक पतला सा रास्ता है, पुल बना है जो, अब इस पुल में क्या हो रहा है कि गाड़ी एक ही जाने की जगह है, भैया एक गाड़ी ही जा सकती है, तो जब यहां से एक गाड़ी इस तरफ आ रही होगी तब यहां से कोई गाड़ी नहीं जा सकती, है ना, तो ये वाला एरिया बंद है, यहां गाड़ियां बाहर साइड में खड़ी हो गई, जब ये गाड़ी यहां से निकल जाएगी तब फिर ये वाली गाड़ी इस जगह से जाएगी और यहाँ क्रॉस करेगी। मतलब एक समय में एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसफर होगा, ठीक बात। अच्छा एक और एग्जांपल, आपने पुलिस वालों के पास देखोगे वॉकी टॉकी होता है जिसमें ऐसा स्विच लगा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सामने वाले व्यक्ति ने उनके सिग्नल पे कोई मैसेज भेजा तो ये वाले व्यक्ति ने सिग्नल को मैसेज को रिसीव कर लिया, रिसीव करके उनको जवाब दे दिए, जब जवाब दे दिया उन्होंने स्विच चेंज किया और जो रिसीवर मोड है उससे हटाकर उनने स्पीकर मोड पे डाला और फिर उनने बात करना चालू कर दी। मतलब उनने यहाँ से जानकारी दी तो उनने वहाँ रिसीव कर ली, मतलब जानकारी तो आ रही है आपके पास, आ भी रही है, आप भेज भी रहे हो, लेकिन एक समय पे या तो आप ले रहे हो जानकारी या तो आप सिर्फ भेज पा रहे हो जानकारी, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। चलो तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर दोनों दिशाओं में एक ही समय में हो सकता है, इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। एक ही समय में दोनों दिशाओं में, जैसे मोबाइल फोन के माध्यम से आप किसी को कॉल करते हो तो आप भी बात कर रहे हो तुरंत और सामने वाला भी तुरंत आपको बात कर रहा है, मतलब आपके बात करते करते वो आपकी बात को काट भी रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, जहां पर आपका डेटा एक ही समय पे आ भी रहा है जा भी रहा है, इस प्रकार का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है फुल डुप्लेक्स। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के कम्युनिकेशन के तीन प्रकार होते हैं, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और तीसरा फुल डुप्लेक्स होता है। तीनों की क्या प्रक्रिया होती है वो आपने समझ ली, इसको आप चाहें तो डायग्राम के माध्यम से भी यहां पर इस प्रकार से बता सकते हैं, और इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए डायग्राम को यहां पर जिस प्रकार से मैंने गोल गोल बनाया था उसकी जगह पे आप इस प्रकार के सिस्टम का एक आइकॉन बना दे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ए और यहाँ पर इस प्रकार से बी, और इस प्रकार से आप एरो से समझा सकते हैं। ये हो गया आपका सिंप्लेक्स, ये अपन ने समझाया, ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स, और ये हो गया आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप, मतलब तीनों को इस प्रकार से भी आप डायग्राम बना के और तीनों में नाम लिख दें कि भैया ये सिंप्लेक्स है, ये हाफ डुप्लेक्स है, ये फुल डुप्लेक्स है, और इसके साथ साथ इसके नीचे इनकी परिभाषा भी लिख दें, परिभाषा मतलब डिटेल बता दें कि इससे क्या होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में।